अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हमाद है और मैं इस टाइम एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट में कोविड आईसीयू में काम कर रहा हूँ। मैं आप सबसे मुखातिब इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी वेव शुरू हो चुकी हुई है और ये तीसरी वेव इतनी ज़्यादा लीथल है कि ये किसी बंदे को नहीं छोड़ देती। हमारे पास जो पेशेंट वसूल हो रहे हैं, हमें जब वो आते हैं उनके HRCT पे, जब हम उनके लंग्स देखते हैं तो वो 80-90% उड़ चुके होते हैं। अब ये वो वाली कहानी नहीं है कि जब हमें पहले सिम्टम्स आते थे, 3-4 दिन सिम्टम्स आए, कफ रही और काम ख़राब हुआ। हमारे पास पेशेंट लैंड कर रहे हैं 1-2 दिन के सिम्टम के साथ और डायरेक्टली उनके लंग्स उड़े हुए हैं। डेथ रेशो बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी हुई है और पेशेंट जिस तरह हमारे पास लैंड कर रहे हैं मैं आपको बयान नहीं कर सकता। इस टाइम मैं इतना ज़्यादा दिल बर्दाश्त हूँ, मेरा पेशा ऐसा है कि मुझे ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। बहुत हिम्मत अल्लाह ने दी है लेकिन हिम्मत जवाब दे रही है। एज अ फ्रंट लाइन वॉरियर मैं बहुत मुश्किल से ये चीज़ बर्दाश्त कर रहा हूँ। जिस तरह पेशेंट की डेथ हो रही है, जिस तरह पेशेंट की एयर हंगर मैं देखता हूँ, डबल ऑक्सीजन पे, सी पाइप के ऊपर, उनसे ऑक्सीजन सेचुरेशन उनकी पूरी नहीं हो पाती। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि अपने प्यारों को बचा लें, इस वायरस से बचाएं। ये बहुत तबाहकुन वायरस है, ये हर किसी को तबाह कर रहा है। खुदा रहा SOPs को फॉलो करें। बाज़ारों में मत घूमें, शादियों पे मत जाएं, जनाजों पे मत जाएं। अपने आप को बचा लें, अल्लाह से तौबा करें, अल्लाह से मगफरत करें, अपने आप को बचा लें। ये बहुत बुरी चीज़ है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हमारा कोई कमाल नहीं है, हमारी कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही। हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिशें नाकाम जा रही हैं। खुदा रहा, अपने आप को बचाएं, अपने घर वालों को बचाएं, अपने अजीज़ वकारब को बचाएं, अपने हमसायों को बचाएं और सबको ये तलकीन करें कि इस चीज़ को हम लोग अगर रोक सकते हैं तो वो यही है कि हम परहेज़ करें, SOPs को फॉलो करें, मास्क पहने और अल्लाह हमें इस आफत से बचाए। मैं बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन मेरे पास अल्फाज मौजूद नहीं है, मैं क्या कहूँ। खुदारा बचा लें अपने आप को और हम सब के लिए दुआ करें। फी अमान अल्लाह।